फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे आप देखेंगे कि जो लास्ट डेट इसकी आपकी थी वो 31 मार्च थी, ठीक है, ये अब बढ़ाकर आपकी कर दी गई है 30 जून, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि अभी तक मान के चलिए कि 30 अप्रैल 22 तक इसमें 500 रुपये लग रहे थे, उसके बाद से आपके 1,000 रुपये लग रहे हैं, और अगर 30 जून 2023 तक अगर आप लिंक नहीं कराते पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो आपको इसमें जो भी जुर्माना राशि हो वो आपकी लगभग 10,000 रुपये तक बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पैन कार्ड और लिंक आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। यहाँ पे ये भी देखिएगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्री में भी हो सकता है, या 1,000 नहीं देना होगा, या कैसे होगा। तो जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें किसको आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं कराना है, या किसको लिंक नहीं कराने पे क्या होगा, या आप लिंक खुद ही नहीं कराते हैं तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। तो आपको कैसे कराना है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे फर्स्ट जो तरीका है, हम आपको तीन तरीके बताएंगे। पहला तरीका आपका क्या है, आपको इनकम टैक्स gov.in पर जाना है। अब वहां पे क्या करना है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा आपका लिंक आधार स्टेटस अथवा लिंक आधार। जब यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे नंबर, तो आपको क्या होगा वहां पे देखेंगे कि आपका व्यू लिंक आधार, ठीक है, करेंगे तो आपका स्टेटस, अगर आपका ऑलरेडी लिंक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिंक नहीं है तो आपको क्या करना होगा, लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। चाहे आप लिंक आधार पे ही, अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप कहाँ जाएंगे, लिंक आधार पे आप जाएंगे, उसके बाद वहां पे आप आधार कार्ड और पैन कार्ड डालेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्टेटस दिख जाएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है। अगर आपका लिंक है तो बताएगा कि यू हैव ऑलरेडी लिंक्ड, अगर नहीं है तो आपको बताएगा कि आप लिंक पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके पश्चात जैसे आप कहेंगे लिंक आधार पर करेंगे, यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि वही डाले जो आपके पास हो करंट में, जिस OTP आए उसको आप नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू थ्रू ई पे टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे आप क्लिक करने से पहले आप ये देखेंगे कि आपको अब यहाँ पे किसको किसको नहीं कराना है, मैंडेटरी नहीं है। पहले आप देखेंगे यहाँ पे NRI, NRI क्या होता है, जो भारत का निवासी ना हो, ठीक है ना, भारत में निवासी ना हो, भारत में भारत की सदस्यता ना लिया हो, वो आपका उसके लिए जरूरी नहीं है। अथवा उसके बाद जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी सिटीजन इंडिया ना हो, ठीक है, या 80 साल से ऊपर का हो, 80 साल जिसकी एज हो गई हो उसके लिए भी जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ प्रदेश है जैसे आपके असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर का भी अगर निवासी हो तो भी वो ये पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की उसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पैन कार्ड और आधार कार्ड डालकर मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करें, मोबाइल नंबर डायल करके आप करेंगे कंटिन्यू थ्रू ई पे टैक्स। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो है दूसरा आपका वो खुल जाएगा, उसके बाद में फिर आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा चूज योर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप करंट ईयर आप चूज कर सकते हैं 2023-2024। उसके बाद टाइप ऑफ 500 वाले पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एक प्रोफॉर्म आपका भर के आएगा, पेमेंट आप नेट बैंकिंग। यहाँ पे ध्यान देने के बाद अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, जैसे आपका ICICI का है, ठीक है, एक्सिस बैंक का है, ठीक है, और एक दो बैंक जो भी आपके हैं उन्हीं बैंक का आपका डेबिट कार्ड, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, कोशिश रखिएगा कि आपके 1,000 रुपये से ज़्यादा आपका बैलेंस उसमें हो, ठीक है ना, 1,000 से ज़्यादा का बैलेंस हो, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अगर 1000 से कम का बैलेंस होगा तो लेगा नहीं, ठीक है ना। इस करके आप पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, रिसीव आपको जैसे पेमेंट करेंगे सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद जो रिसीव रिसिप्ट है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद में भी अब आपको क्या करना है, अच्छा आप क्या समझ रहे हैं कि डाउनलोड करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं सारी चीजें बताते नहीं, फिर इससे यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है, फिर से आप आपको जब जाएंगे आप उसी पे आधार जहां से लिंक कराना चालू किए थे वहां से जाएंगे, अपना आपका पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालने के बाद में फिर आप उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे फिर से आप वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद फिर से आपका क्या आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद वेरीफाई हो जाने के बाद में फिर से आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो ये डाटा है वो UIDAYI को भेज दिया गया है, ठीक है ना। जब आपके पास ऐसे मैसेज आ जाए तब आप समझ लेना चाहिए कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हुआ है। अगर आप एक बार ही अगर करके आप सोचे कि आपका हो गया है तो ऐसा नहीं है, आपको फिर से आपको क्या करना, वैलिडेट और वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। ये पहला तरीका आपका है आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने का, पैन कार्ड लिंक करने का, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरा तरीका इसका बताते हैं, ठीक है। क्या है, UIDAYI पैन स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर, फिर आपका स्पेस यहाँ पे, फिर आपका आपका पैन नंबर, यानी आपका लिखेंगे UIDAYI पैन स्पेस आधार स्पेस पैन नंबर। उसके बाद आपको अपने मोबाइल से जो आपका रजिस्टर्ड है 5661 पे या 5676 पे आपका क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड है आप विजिट करिएगा UIDAYI सेंटर जहाँ पे आपका आधार कार्ड बनता है। उसके बाद आधार कार्ड सेंटर पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका आधार कार्ड से वो पैन कार्ड आप दे देंगे, वहाँ पे बाई हैंड वो आपका लिंक कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि अगर आपको, मैंने देखे होंगे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्री में भी करा सकते हैं। फ्री में कैसे करा सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम गलत है, ठीक है, नाम गलत है, अगर आपका करेक्शन कराना है, ठीक है, करेक्शन कराना है, तो करेक्शन करा के अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराते हैं तो आपको उसमें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज और भी है, अगर आप कोई भी न्यू पैन कार्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, न्यू पैन कार्ड बनाते हैं, तो न्यू कार्ड पैन कराने के बाद जैसे आपका ई पैन होता है, ठीक है, इसकी फीस ऑलरेडी 96 रुपए या जो कुछ भी आपका जीएसटी लगा के होती है, अगर न्यू पैन कार्ड आप बनाते हैं तो उसमें आपसे क्या मांगा जाएगा, आधार, क्या मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, फोटो मांगी जाएगी, उसमें भी आपको पैन कार्ड लिंक कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लिंक हो कर ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे समस्या आती है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी ही क्यों है, तो आप उसके लिए दो तीन चीजों आप समझिए कि अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप 50,000 रुपए से जो है ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तीसरी चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, या म्यूचुअल फंड या आप शेयर मार्केट में कोई भी चीज डिमांड अकाउंट, ठीक है, नहीं मतलब डीमैट अकाउंट वगैरह भी आप नहीं खोल सकते, ठीक है ना। या अगर कोई भी आप अकाउंट आपको अगर खोलना है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए आपको क्या कराना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना है, और वो भी 30 जून से पहले, किससे, 30 जून से पहले, नहीं तो आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, यानी आपका जो पैन कार्ड है वो प्रकार से बेकार हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।